पेटीएम पेमेंट बैंक बंद होने के बाद फाइनली मैंने उसका अल्टरनेटिव बैंक ला के दे दिया है आप लोगों को। बहुत सारे यूजर अभी भी अपना बैंक ओपन भी कर ले रहे हैं। कोटेक 811 वाला जो है आप बैंक घर बैठे खोल सकते हैं। बस आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड और आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। आप भी एक वर्चुअल बैंक अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हो, जिस तरह से पेटीएम यूज़ करते थे अपना गूगल पे फ़ोन पे रन कर सकते हो। और इसका जो है डेबिट कार्ड भी मुझे जो है डिलीवर हो गया है, यहाँ पे मेरे हाथ में देख सकते हो। और काफ़ी अच्छा ये बैंक है और आप भी पेटीएम की तरह इसे भी यूज़ कर सकते हो। इसमें भी पैसे रिचार्ज वगैरह सारे चीज़ें इसमें भी मिलती है और काफ़ी अच्छा इसका इंटरफेस है। पेटीएम के होने के बाद आप लोग को काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ भी झेलनी पड़ी, बहुत सारे यूज़र का भी पैसा भी फंस गया था। तो आप लोग का पैसा जो है मैंने कई सारे जो है वीडियो बनाए हैं जिससे आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। किस तरह से करना है, जैसे कि आपको कस्टमर केयर को कॉल करना है, पेटीएम कस्टमर केयर को नंबर भी मैंने वीडियो में दिखाया और मेरी ओल्ड वीडियो पीछे वाली देखे हुए वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा कस्टमर केयर का। और कोटक का मैंने भी बैंक खोल लिया क्योंकि मुझे भी काम था, क्योंकि मेरा पेटीएम जो है और यूनियन बैंक, क्योंकि यूनियन का कभी कभी सर्वर डाउन होता है और इसकी वजह से कोटक का खोलिए। और काफ़ी अच्छे इसमें भी कैशबैक और जो है फिक्स डिपॉजिट करने पे भी अच्छे खासे जो है कैशबैक मिलते हैं। और इस कार्ड को भी ऑर्डर करने पे चार्ज लगते हैं, लेकिन मैंने इसे कैशबैक ऑफर पे ही बाय किया और मेरे जो है पैसे फिर रिफंड हो जाएंगे और काफ़ी अच्छे खासे जो है कैशबैक भी मिल रहे हैं शॉपिंग से रिलेटेड। या जो है यहाँ पे सारे इस कार्ड के ऊपर मैंने एक वीडियो भी डाली है कि किस तरह से इसे यूज़ करना है। अभी जो लेटेस्ट रिसेंट वीडियो मैं आप तो आई बटन में लिंक दे दूँगा, देख लेना। और आप लोग चैनल पे इसी तरह से एक्टिव रहो और काफ़ी सारे नए नए पेटीएम से रिलेटेड और भी कुछ अपडेट आएंगे। जैसे पेटीएम ऐसा नहीं पूरा बंद हो गया, पेटीएम अभी भी चल रहा है। पेटीएम में क्या हुआ है कि पेटीएम का पेमेंट बैंक की जितनी भी सेवाएं थी, फास्टैग, ये सब सारी चीज़ें, उनसे जितनी चीज़ें जुड़ी थी पेटीएम बैंक से, वो सब क्लोज हो गई है। लेकिन अब जो है पेटीएम का आने वाले समय में अगस्त तक मुझे जहाँ तक लगता है पेटीएम का फिर से कोई जो है न्यू बैंक ओपन होगा और फिर से एक नए KYC के साथ पेटीएम फिर से रन करेगा जहाँ तक मुझे लगता है। उसके ऊपर मैं BC एजेंट से कुछ जानकारियाँ लूँगा जो शॉप पे आते हैं मर्चेंट विजिटर, क्योंकि मैं एक BC एजेंट रह चुका हूँ और फाइनली वो भी आते हैं विजिटर, तो उनसे भी कुछ जानकारियाँ इकट्ठा करके आप लोग को देने वाला हूँ, ताकि आप लोग भी जो है पेटीएम से काफ़ी सारे लोगों का लगाव था और उसमें काफ़ी सारे बहुत सारे लोग का जो पैसा भी फंसा है, तो सब आप टेंशन मत लीजिए। आप मर्चेंट अकाउंट पे करेंगे तो आपका पैसा जो है निकल जाएगा। और इसी तरह से आप लोग अपना जो है अभी भी एक बैंक खोलना चाहते हो पेटीएम बैंक क्लोज होने के बाद, तो कोटेक 811 वाला खोल सकते हो। और कैसे करना है मैंने वीडियो में प्रोसेस दिखाया है, कई सारे वीडियो मेरे चैनल पर डली हुए हैं। और इसमें भी लोन वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं और क्रेडिट कार्ड भी मिलता है और आप लोग अप्लाई करके ले सकते हो जिन लोगों को चाहिए। और फाइनली इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और पेटीएम से रिलेटेड कुछ भी अपडेट पाने के लिए जरूर चैनल सब्सक्राइब करके जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।